खास मेहमान भी मौजूद हैं। जेपी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, हमारा चुनावी रथ चल रहा है और चुनावी रथ में देखिए हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को हम शेरो शायरी दिखा रहे थे। इस शेरो शायरी के बीच एक बार दिखा दूं, ये हमारा चुनावी रथ जो हमने खास तैयार किया, उपचुनाव की जंग किसमें कितना दम। तमाम कवि हैं और इन शख्सियत को आप दर्शक हमारे पहचान ही गए होंगे। इस हमारी महफिल में आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ गए, हमें रास्ते में टकरा गए, तो वो हमारी इस खास चुनावी रथ में आ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, अभी हम शेरो शायरी कर रहे थे, शेरो शायरी से शुरुआत हो जाए फिर चुनावी करेंगे। ये मैनपुरी लोकसभा है जहाँ विरासत के ही चुनाव होते रहे हैं, इसलिए एक शेर सुनाना चाहूँगा यहाँ की जनता को भी और समाजवादी पार्टी को भी, कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, अब क्या उड़ान क्या कर रही है, उड़ान ऐसा नहीं, ये अजय सीट नहीं है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और मैनपुरी की जनता के हाथ में पत्थर है और आसमान में छेद करने जा रही है। बहुत बढ़िया, लेकिन लग रहा है सर कल जिस तरह आप योगी जी आए, आप चुनावी जनसभाएं भी ठीक ठाक थी, उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ समीकरण बदलेंगे? निश्चित तौर से, योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बहुत मेंटेन करने वाले हैं और लोकप्रिय हैं, इसलिए उनके आने के बाद करहल विधानसभा में खास तौर से करंट भी बना है और लोगों की हीन भावना से भी लोग दूर हुए हैं और लोगों का उत्साह बढ़ा है। चाचा को टारगेट क्यों कर रहे हैं? कभी कह रहे हैं पेंडालूम कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं फुटबॉल है, अब आपने सारे घोटाले खोल दिए, आप सुरक्षा हटा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने जो पेंडुलम शब्द इस्तेमाल किया है अथवा फुटबॉल इस्तेमाल किया है, वो कोई गलत शब्द नहीं किया है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी में विघटन हुआ, जब शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए, फिर उन्होंने अध्यक्ष होते हुए अखिलेश को हटाया, फिर रामगोपाल जी को हटाया गया, फिर अखिलेश जी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। इसके बाद प्रसपा बनी, प्रसपा कभी साथ में आई कभी अलग हुई, फिर 19 में साथ में आई तो अलग हुई, फिर उन्होंने गठबंधन किया, 80 सीटें अखिलेश जी से मांगी, तो 80 तो छोड़ो, 70-60 बार्गेनिंग होती रही, 50-40-30-20-10-9-8-7-6-5-4-3-2, बाद में उनको एक सीट नहीं दी, एक सीट नहीं मिली, वो उनको समाजवादी पार्टी का साइकिल का प्रत्याशी बनाया गया और खूबसूरती के साथ अखिलेश यादव ने उस सीट को जिताने का काम किया। तो इन सब स्थितियों फिर वो बीच में आँख दिखाते हैं, फिर नरम हो जाते हैं, लेकिन चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भी संधियां हुआ करेंगी। ये इनके दिल नहीं मिले हैं, मतभेद अपनी जगह हैं और इनके मनभेद भी हैं, केवल ये इस भारतीय जनता पार्टी की इस बाढ़ से बचने के लिए ये एक दुर्भ संधि हुई। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।